लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए शीघ्र बुलाई जाएगी बैठक। तो निश्चित तौर से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम शिमला शहर को हर तरीके से आगे ले जाना, विकास करवाना, मगर उसके साथ साथ जो उसमें स्टेक होल्डर्स है शिमला शहर का, जैसा मैंने कहा आपको कि आप सब बराबर के भागीदार हैं, और जब बराबर के भागीदार हैं तो जब आप इतनी जो है मुश्किल परिस्थितियों में हम सबका साथ दे रहे हैं, समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम भी आपके बारे में पूरे तरीके से संवेदनशीलता से के साथ सोचें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जो भी आपके इश्यूज होंगे आने वाले समय में, हम बैठेंगे उसके बारे में सकारात्मक चर्चा आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं शिमला शहर के, उनके साथ हमारे आदरणीय मेयर साहब है और एनसी कमिश्नर है, इनके सबके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, और जो उसमें बात करके मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में टेकअप करेंगे कि कैसे इसको और बेटर आने वाले समय में किया जा सकता है, उसमें हम अपना पूरा सहयोग देंगे। मुझे भी बताया गया और विधायक जी कह रहे थे कि 2009 में जो है इसको साहब सोसाइटी को बनाया गया था, और तब से नई बुलंदियाँ ये छूरा है, और एक किस्म से पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, अब तो क्योंकि अर्बनाइजेशन और इलाकों में भी बढ़ रहा है, तो एक किस्म से एक रोल मॉडल आप बनकर निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।